हरियाणा में विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी धर्म सिंह छोकर को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने समालखा से प्रत्याशी धर्म सिंह छोकर की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। बताते चले, हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि या तो कल तक छोकर खुद ही सरेंडर कर दे, नहीं तो पुलिस उनको अरेस्ट करे। हरियाणा प्रदेश की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होना है। मतदान से ठीक 4 दिन पहले हाईकोर्ट ने छोकर के खिलाफ यह फैसला सुनाया है। ईडी ने घर खरीदारों के पैसों की धोखाधड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। इसी मामले में 5 महीने पहले ईडी ने उनके बेटे को भी गिरफ्तार किया था, जो अभी तक जेल में है। यहां बताते चले, छोकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी काफी करीबी हैं। धर्म सिंह छोकर के खिलाफ 2 दिन पहले गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद गिरफ्तारी न होने पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई थी और हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, फिर भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार, ईडी और छोकर को नोटिस जारी किया था। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।